फर्स्ट टाइम कोई भी अपने चैनल पे लाइव करता है ना, तो उसके साथ दो प्रॉब्लम होता है, या तो उनका लाइव शेड्यूल नाम से सेव हो जाता है या फिर अपकमिंग नाम से सेव हो जाता है। तो अगर आप लोग को भी यही प्रॉब्लम है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले गाइस आप लोग को अपना YouTube ओपन करना है, उसके बाद गाइस यहाँ से जो जो प्रॉब्लम होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ से आप लोग को प्लस आइकन पे आप लोग को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ गो लाइव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को अपना टाइटल देना चाहिए, इसलिए मैं लाइव देता हूँ। और उसके बाद ना आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग पब्लिश करोगे तो सभी को दिखाई देगा। जो अपकमिंग नाम से सेव होता है वही आप लोग को यहाँ पे पब्लिश कर दोगे तो सभी को दिखाई देगा, नहीं तो अनलिस्टेड में कर दोगे तो वो सिर्फ अभी अपने फ़ोन में ही रहेगा, मतलब और कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, जिसके पास लिंक रहेगा वही देख सकता है। तो यहाँ मैं अनलिस्टेड में ही रखता हूँ, आप लोग पब्लिश कर सकते हो क्योंकि उसमें लोग वेट भी कर सकते हैं, उसमें चैट भी कर सकते हैं, आप उसको रिप्लाई भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप लोग को थोड़ा नीचे आना और यहाँ से मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप सही तरीके से कैसे लाइव कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ से आप लोग को यहाँ अब आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से मैं तो डायरेक्टली अभी बता रहा हूँ आप लोग को बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आप थंबनेल देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो चलिए मैं अभी थंबनेल नहीं दे रहा हूँ, आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद ना यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही गॉट इट पे क्लिक करोगे तो आप लोग को लाइव ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होता है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे बैक हो जाता है, तो अब देखना यहाँ पे मतलब कहीं पे भी होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे अपकमिंग नाम से सेव हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ना यहाँ से मैं आप लोग को अपना डेस्कटॉप साइड में वाइट स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना वाइट यहाँ पे कैसे हमारा सेव हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं अपना इस पर क्लिक किया, उसके बाद ना यहाँ पे और थोड़ा यहाँ वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ लाइव पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखना आप कैसे यहाँ पे अपकमिंग देख सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने लाइव वहाँ पे ओपन किया, उसके बाद बहुत लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे अपकमिंग नाम से सेव हो जाता है। तो इसी को कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ से देखो गाइस, अगर आपके सामने ऐसा हो जाता है तो कुछ नहीं करना, बस आप लोग को आना है होम स्क्रीन पे। उसके बाद आप लोग वहाँ से आप लोग जो भी देना चाहते हो, यहाँ सही तरीके से मैं एक वीडियो में ये भी बताया था कि आप सही तरीके से कैसे लाइव कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को ये जो अपकमिंग वाला रहेगा ना, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से गाइस इसमें टाइटल टैग यहाँ से भी दे सकते हो और वहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ से दे दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लाइव चैट, यहाँ रिप्लाई दे सकते हो, मतलब लाइव चैट इसको ऑन करोगे तो। उसके बाद यहाँ सब्सक्राइबर में रखना है, ऐसे क्या होगा गाइस, और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को एनी ड्यूरेशन में आप लोग को रखना है। यहाँ से क्या होगा गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, इसको रखने से ना आप लोग को जो भी नए सब्सक्राइबर्स आएंगे ना, वो जब तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके लाइव में जुड़ ही नहीं सकते। तो इस तरह से आपका सब्सक्राइबर्स ज़्यादा गेन होते हैं गाइस, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ इसको सेटिंग करने के बाद यहाँ आप लोग को सेव कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग सेव करोगे ना, उसके बाद यहाँ से सेव होने देना है, तो हो चुका है हमारा सेव। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इस पर फिर से आना है और ये देख सकते हो ये कहीं पे जाता नहीं गाइस, ऐसे आप लोग बैक आ जाते हो ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऐसे बैक आ जाते हो ना। अब ऐसे बहुत लोग उसी वीडियो के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, देखते तो हैं अपने चैनल पर कि अपकमिंग नाम से सेफ है बट उसके अंदर जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग फिर से यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ गो लाइव पर आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ना गाइस आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेव हो गया था हमारा, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं, सॉरी मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छे से नहीं दिखा पाया, तो फिर से मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ देखना क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट पे, और यहाँ भी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, देखना अभी यहाँ पर सेव हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को सेव रहता है गाइस, यहाँ पे ऐसा ही सेव रहेगा। आप दिन भर छोड़ोगे तो दिन भर, यहाँ पे 10 दिन छोड़ोगे तो 10 दिन यहाँ पे ऐसा ही रहता है गाइस शेड्यूल नाम से। बस आपके पब्लिश नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सभी को दिखाई देगा, अनलिस्टेड में रहेगा तो वो सिर्फ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये 10 दिन 20 दिन जितना दिन आप लोग को रखना चाहते हो वो यहाँ पे ऐसा ही सेव रहेगा, जैसे आप यहाँ पे करके रखोगे वैसा ही। और इसके अंदर आप जाना चाहते हो तो आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आप लोग फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही गो लाइव पे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपके लाइव ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप लाइव चैट कर सकते हो, लाइव बातें कर सकते हो, जो आप लोग को लाइव में करना है वो कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को टाइम से कोई वैल्यू नहीं रहता, आप 1 बजे जितना टाइम कर दो, बाकी यहाँ पे जिस टाइम में आप गो लाइव करोगे ना उसी टाइम में आपका लाइव स्टार्ट होगा। सबसे पहले ट्राई करो गाइस, उसके बाद हमें बताना कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं होता है तो एक बार वीडियो फिर से देखेगा, शायद आपने अच्छे से नहीं देखे होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।